भी तो कह रही थी कि जोहरे का मतलब क्या है? जोहरे का मतलब है मोहब्बत. मोहब्बत, वाह भाई. ईरानी नाम है ये, इट्स अ पर्शियन नेम. अच्छा, इट्स एन ईरानियन नेम. ओके, मेरे दोनों बेटों के नाम भी मैंने ईरानी ही रखे. माशाल्लाह, यू मैरिड? मेरे दो जुड़वा बेटे हैं. माशाल्लाह माशाल्लाह. एंड माशाल्लाह दे आर अबाउट टू बी आई थिंक 3 साल के होने लगे हैं. माशाल्लाह, दैट्स अमेजिंग एंड इट्स अ न्यूज. क्या बात है, इट्स अ न्यूज़ फॉर यू, इट्स अ न्यूज़ फॉर मी. एवरीवन नोस दिस. मुझे नहीं पता था कि आपके दो बेटे भी हैं. सेम है यानी कि जो जोहरा भी कहते हैं. नहीं, जोहरा तो कुछ है ही नहीं. जोहरा नाम नहीं है, लेकिन जोहरा नाम होगा भी. तुम आई डोंट नो अबाउट. बस मैंने शायद पता. मेरा नाम जोहरे है, लेकिन नाइस नेम, यूनिक नेम. तो आपके बेटों के नाम? मैं बताई थी, मेरे बेटों के नाम भी मैंने बहुत यूनिक रखे हैं. जैसे मेरा जो बड़ा बेटा है, जो 30 सेकंड पहले पैदा हुआ, उसका नाम आर्सन है. आर्सन मीन्स जो जंग फतह करता है. एंड छोटे वाले का नाम साय है. साय साय सी वाई ई साय. जी, साय मीन्स नूर की रोशनी. तो ये तो बहुत. मैं कितने साल के हैं बेटे? अभी बता रही हूँ, आई थिंक 2 साल 7 महीने के. 2 साल 7 महीने के. और आपने इतना अच्छा वेट लूज किया है. आपने पुट ऑन उन्होंने ही करवा दिया. उन्होंने ही करवा दिया. पीछे दो बेटे पालना आसान नहीं है. दो बेटे, अच्छा जुड़वा, ऊपर से दो बेटे. बेटों को वाकई पालना बहुत मुश्किल है. आपके घर में भी ऐसा होता था कि अम्मा तीनों को संभालने में बड़ा वो जाती थी, परेशान? नहीं, अम्मा से तो डर लगता था. अच्छा, रोप था. अम्मा का डंडा ठीक था. आपको ऐसा लगता है ऑन आजकल की पेरेंटिंग और पुरानी पेरेंटिंग में थोड़ा डिफरेंस आ गया हुआ है ना? आपको लगता है कि जैसे आप अपने बच्चों को रेस कर रहे हो, तो आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स ने जैसे संभाला था, या हाँ आप लोग थोड़े सेंसिटिव हो अपने बच्चों के मामले में? मुझे लगता है मैं एक्सट्रीमली सेंसिटिव थी, लेकिन अब मैं नहीं हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत हेल्प की है इसमें. कि इतना नहीं होना है, रफ एंड टफ बनाओ. तुम्हारे दो लड़के हैं, लड़कियाँ नहीं हैं. तो इसलिए मैं थोड़ा. हाँ बिल्कुल, मुझे मैं बताऊँ, सुबह जब मैं बड़ी मज़े की बात आती हूँ, मेकअप हो रहा होता है या बाल होते थे ना, तो आपको पता है हमारे जितनी भी टीम है, मेकअप आर्टिस्ट हैं, सारे इतना हम्बली आपको ट्रीट कर रहे होते हैं, बड़ा डेलिकेटली आपको संभाल रहे होते हैं कि किसी के बाल ना खिंचके. कुछ हमारे यहाँ लोगों को आदत है ना, हल्का सा बाल खिंचा एक्टर का या एक्ट्रेस का, और तू की कीता है, ओ मेरे बाल छिंच रहे हो, मुझे ये हो रहा है. वो इतने आराम से कर रहे होते हैं, और मैं आराम से काम हो रहा हो ना, तो मुझे कुछ मैं तो सो जाती हूँ. अगर कोई इतने आराम से कर रहा हो, मुझे तो इतने मजे की नींद आती है. कैसे हो जाता है ये लोगों से कि वो सो जाते इतने आराम से? क्विक नैप. मैं अपने काम को डिले नहीं कर सकती, पता नहीं. मैं आई एम वेरी लेकिन अगर डिले खुद हो रहा हो तो मैं बात कर रही हूँ कि मैं उसको कहती हूँ असद जल्दी हाथ चलाओ. कहते हैं नहीं मैम, वो आराम से. कहती हूँ नहीं जल्दी. तो इसी तरह मैं इसको कनेक्ट करूँगी. जब मेरे बच्चे थे हैं अल्हम्दुलिल्लाह बड़े हो रहे थे ना, तो ऑन जोरे मैं आपको सच बताता हूँ, मैंने अपने बच्चों को ऐसे किया कि बस जल्दी नहलाया, जल्दी पैम्पर ये वो ठक तैयार. कोई ऐसा नहीं कि नाजुक तरीके से. और मैंने उनको पाला भी ऐसे ही, लड़कियों को, कि रफ एंड टफ रहे और ऐसी रहे कि भाई लक्कड़ पत्थर होते हैं ना, ये जरूरी है कि कहीं पे भी हो तो उनको पता हो कि हम अब स्ट्रीट स्मार्ट आहिस्ता आहिस्ता होने लग गई है, पहले नहीं थी.